लो जी दोस्तों, आज हम आपको डच का क्रिश्चियन स्कूल की ग्राउंड दिखाने लाए हैं, उसका आपको ये हाल दिखाते हैं कि क्या हाल है इस ग्राउंड का। ये डच का सबसे पुराना स्कूल और इसकी ग्राउंड देखें और गंदगी के ढेर देखें, इसमें किसका कसूर है आप देखें। ये देखें, इसमें बहसियत इंसान इस मुआशरे में रहने वालों का सबका कसूर है। ये देखें, यहाँ से लोग इतनी गंदी जगह है और इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। ये देखिए, ये देखो ग्राउंड जी, जब हम छोटे छोटे होते थे स्कूल कॉलेज में पढ़। लो जी दोस्तों, आज हम आपको डच का क्रिश्चियन स्कूल की ग्राउंड दिखाने लाए हैं, उसका आपको ये हाल दिखाते हैं कि क्या हाल है इस ग्राउंड का। ये डच का सबसे पुराना स्कूल और इसकी ग्राउंड देखें और गंदगी के ढेर देखें, इसमें किसका कसूर है आप देखें। ये देखें, इसमें बहसियत इंसान इस मुआशरे में रहने वालों का सबका कसूर है। ये देखें, यहाँ से लोग इतनी गंदी जगह है और इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। ये देखिए, ये देखो ग्राउंड जी, जब हम छोटे छोटे होते थे स्कूल कॉलेज में पढ़, जब हम छोटे छोटे होते थे तो स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट मैच होता था हमारा, हम यहाँ क्रिकेट मैच खेला करते थे। देखें, इसमें हम सब का, सब दोस्तों का कामन चाहिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, ताकि इंतज़ामिया कुछ होश आए और यहाँ की ग्राउंड को सही करें। ये देखें, याद हूँ आपको, इतनी गंदी जगह है, यहाँ चलने की भी जगह नहीं है। ये देख लेंगे, ये इतनी प्यारी ग्राउंड होती थी कि यहाँ, और बड़ी ग्राउंड होती थी कि यहाँ आसानी से दो मैच हो जाते थे। सन 1980, 81 और 82, 83, 84 वगैरह में हम यहाँ आकर मैच खेला करते थे, क्रिकेट मैच खेला करते थे। वो साथ वो वॉलीबॉल का भी जगह होती थी, वो भी सारी ख़राब हो गई है। और ये देखिए, यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही, दरख्वास्तें दे दे कर इंतज़ामिया के पास जा जा कर हम तो थक गए हैं और कोई हमारा परेशान हाल नहीं है।
देखें जरा, मैं बड़े करीब से आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्राउंड है, पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। बारिश तो बारिश, ये गटर का पानी है यार, सारे मोहल्ले का गटर का पानी इधर आ रहा है। ये देखें, ये बारिश का पानी नहीं है। ये ग्राउंड है टस्का की सबसे पुरानी और खूबसूरत ग्राउंड का ये हाल है। इसमें हम सब का कसूर है, सिर्फ इंतज़ामिया का कसूर नहीं है, हम सब का कसूर है। हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। ये देख लें, मैं और दूसरी साइड पे आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, देख ले दूर दूर तक क्या हाल है इसका। ये है जी मिशन कंपाउंड ऑर्मिट क्रिश्चियन स्कूल की ग्राउंड। देख लें, ये मैं गंदगी पर खड़ा होकर ना इसकी वीडियो बना रहा हूँ।